नमस्ते बच्चों आज हम पार्ट चार इस पार्ट का नाम है हम बच्चे भारत माँ के इस पार्ट का अर्थ समझेंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पोएम सो द नेम ऑफ द पोएम इज हम बच्चे भारत माँ के इट्स अ पैट्रॉटिक पोयम हियर द किड्स हैव शोन देयर लव टूवर्ड्स देर मदरलैंड सो नाओ लेट्स रिसाइड दिस पोएम द फर्स्ट लाइन इज हम छोटे छोटे बच्चे हैं हियार छोटे छोटे मीन्स लिटिल सो वी आर लिटिल लिटिल किड्स नेक्स्ट लाइन हम भोले भाले बच्चे हैं भोले भाले मीन्स इनोसेंट सो द किड्स आर सीइंग दैट वी आर इनोसेंट किड्स थर्ड लाइन पर मन के सच्चे हैं that means they are saying that their mind is full of kindness and truth bharat ma ki we will always praise our motherland so india is our motherland so we will always praise our motherland bharat ka jhanda fehraayenge we will hoist our flag every time now the next स्टैंड झूठ का साथ कभी ना देंगे वी विल नेवर टेक द साइड ऑफ लाई वादा कर मुख ना मोड़ेंगे वी विल कीप आवर प्रोमिस एंड वी विल नेवर टर्न आवर बैक थर्ड लाइन ऑफ दिस सेकेंड स्टैंडा साहस भरे कार्य कर जाएंगे विल डू ऑल देजियस वर्क हिमालय पर चढ़ जाएंगे वी आर रेडी टू क्लाइम द हिमालयस द लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंडर इज भारत का झंडा फहराएंगे एंड वी विल हॉस्ट अवर फ्लैग अवर नेशनल फ्लैग इन ग्रेट हिमालयस सो दे आर रेडी टू डू ऑल द करेज करेजियस वर्क फॉर दे मदरलैंड थर्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन डर कर पीछे ना हटेंगे वी विल नेवर टर्न बैक बिकॉज ऑफ फियर सेकेंड लाइन डटकर मुश्किलों का सामना करेंगे सो विथ ऑल करेज वी विल फेस द डिफिकल्टी नेक्स्ट लाइन माता की जय जय गाएंगे सो वी विल ऑलवेज प्रेस अवर मदरलैंड they are saying that they are not afraid of anything they are always ready to sacrifice their life they are ready to hoist the national flag and they are ready to sing songs in the praise of our motherland so the last line is bharat ka jhanda ferayenge and ready to hoist the national flag so this is the meaning of this poem now there's an activity for you you have to learn the first five lines of the poem take a voice clip and upload it microsoft teams आज के लिए बस इतना ही अब हम अगली क्लास में मिलेंगे धन्यवाद